जी हम बात कर रहे हैं एरर्स दैट डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जिसके लिए टॉपिक वर्ड यूज होता है एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, देखें ट्रायल बैलेंस अगर बैलेंस हो जाता है इसका मतलब कोई ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, उसमें हमने एरर्स पढ़े हैं कॉपरॉक। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप वो सुनें, एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और अगर आपने वो सुन लिया तो उसके बाद आप ये सुने एरर्स दैट डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। जब भी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस का मतलब डेबिट साइड कुछ और होती है और क्रेडिट साइड कुछ और होती है। जब भी ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक नया अकाउंट यूज़ करते हैं और उसका नाम है सस्पेंस। पहली बात यह है, यहाँ जो एरर्स होंगे उसके अच्छे से फैंसी से नाम नहीं है जैसे वहाँ थे। वहाँ क्या नाम थे, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, रिवर्सल, ओरिजिनल एंट्री, कंपेंसेटिंग एरर्स, यहाँ पे एरर्स का कोई नाम नहीं है। सवाल ये आता है सर नाम नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एरर हुआ है। भाई एक जनरल रूल याद रख लो, जनरल रूल ये है कि जब भी डबल एंट्री ब्रेक हो जाएगी ट्रायल बैलेंस बुरा मान जाएगा। डबल एंट्री ब्रेक हो गई इसका क्या मतलब, मतलब ये है आपने डेबिट साइड कुछ और बनाई, क्रेडिट साइड कुछ और बनाई। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड कुछ और बनाई, मतलब डेबिट या तो बनाई नहीं क्रेडिट बना दी, या क्रेडिट नहीं बनाई डेबिट बना दिया, डेबिट क्रेडिट दोनों अलग अलग अमाउंट से बनाई, या किसी एक अकाउंट को ओवरस्टेट कर दिया या किसी एक अकाउंट को अंडरस्टेट कर दिया, जब भी डबल एंट्री ब्रेक होगी ट्रायल बैलेंस ब्रेक हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पे काम किसका शुरू हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट समझे क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट बेटा एक टेम्प्ररी अकाउंट होता है जो हम बनाते हैं सिर्फ इसके लिए कि हम एरर्स को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, और एरर्स को क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें, और टेम्प्ररी तौर पे अभी ट्रायल बैलेंस को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। एक बार टेम्प्ररी तौर पे ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाए और हमारे ड्राफ्ट अकाउंट्स बन जाएँ तो उसके बाद हम एरर्स को ढूंढेंगे, और एक एक करके जब एरर हमें पता लग जाएगा और जब हम जनरल एंट्रीज बना देंगे तो सस्पेंस अकाउंट एंड में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट जो है, अब इसका प्रोसेस ये होता है, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड आ रही है 1000, कितनी आ रही है 1000, और क्रेडिट साइड आ रही है 850, मुझे बताएं शॉर्ट साइड कौन सी होगी, डेबिट या क्रेडिट। मैंने बताया डेबिट साइड 100 है, क्रेडिट साइड 850, तो जो शॉर्ट साइड होगी वो होगी क्रेडिट साइड। कितने से शॉर्ट है 150, इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड पे मैं एक नया अकाउंट खोल दूं, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट खोल दूं और उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दूं क्रेडिट साइड पे, तो ट्रायल बैलेंस टेम्प्ररी तौर पे बैलेंस हो जाए, क्योंकि भाई डेबिट साइड तो ऑलरेडी थी 1000, क्रेडिट साइड 850 थी, 850 में मैंने 150 का एक और बैलेंस ले आया, तो अब टोटल दोनों साइड्स इक्वल हो गई 1000। ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो गया लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, अकाउंट्स में कोई एरर है, और उस एरर को सही करने के लिए जब तक हम सही नहीं कर देते सस्पेंस से हमें जान छुड़ानी, सस्पेंस को ख़त्म करना ज़रूरी है, सही है ना। सस्पेंस जब तक ख़त्म नहीं होता इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। चले अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस वॉज एंटर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट, इट वॉज लेटर फाउंड दैट द परचेज रिटर्न जनरल हैव बीन अंडरकास्टेड। क्या कह रहे भाई, डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, सस्पेंस में डाल दिया, पता क्या चला, परचेज रिटर्न जनरल को अंडरकास्ट कर दिया। परचेज रिटर्न जनरल क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या भाई, जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा परचेज रिटर्न जो होता है वो वैसे क्रेडिट होता है, क्या होता है क्रेडिट, हमने परचेज रिटर्न को अंडरकास्ट किया मतलब कम कर दिया, अब हम परचेज रिटर्न को और बढ़ाएंगे। परचेज रिटर्न जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और जहाँ कुछ भी नहीं आता वहाँ पे क्या आ जाता है, सस्पेंस। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी आंसर आएगा, परचेज रिटर्न को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि गुड्स जा रही हैं बिजनेस में, और सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, जहाँ कुछ नहीं आएगा वहाँ